मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि अब प्रदेश का किसान आपको समझ चुका है, अब कोई आपकी बातों में नहीं आने वाला। किसान कर्ज माफी के मसले पर उन्होंने कहा कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ के कर्ज माफी वाले ट्वीट पर कहा कि मैंने कमलनाथ का ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने आदेश भी जारी किया है। उनके आदेश में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात कही गई है, लेकिन किसी को भी 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ है और ये 420 की श्रेणी में आता है। कमलनाथ के ट्वीट ने किसानों के जख्म हरे कर दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि आपने मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर कर दिए हैं और उसके बाद कमलनाथ लिख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर ऐसा ही करेंगे। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी, प्रदेश के किसान अब आपको समझ गए हैं और काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ पाती। ये 420 कहलाती है कमलनाथ जी, आपका ट्वीट मैंने कल का देखा और इस ट्वीट पे आपने वो आदेश भी इसमें जारी किया है। इसमें स्पष्ट आपने लिखा हुआ है जो सरकार का आदेश है कि 2 लाख तक की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। एक का भी 2 लाख का माफ नहीं हुआ जो आपके आदेश में है। ये 420 की श्रेणी में आता है। आपके कल के ट्वीट ने जख्म हरे कर दिए किसानों के। मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए, किसान डिफॉल्टर कर दिए आपने और उसके बाद में आप लिख रहे हो उसमें कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर ऐसा ही करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान ने आपको समझ लिया है कमलनाथ जी, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ पाती है। वहीं मिश्रा ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का बयान एक जैसा ही है, एक सेना पर सवाल उठा रहे हैं तो एक प्रधानमंत्री पर, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश का होने के नाते कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी की भाषा से सहमत हैं या नहीं। बिलावल जी का और राहुल गांधी का बयान एक जैसा ही है, एक सेना पे सवाल उठा रहे हैं और एक प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ जी से मैं जरूर पूछूंगा मध्य प्रदेश का होने के नाते कि आप राहुल गांधी की भाषा से सहमत हैं या असहमत हैं, ये स्पष्ट उन्हें करना चाहिए जो सेना के अपमान की भाषा उन्होंने बोली है। गृह मंत्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश में हो रहे फिल्मों के विरोध और फिल्म सेट पर जाकर उपद्रव करने को लेकर कहा कि किसी सेट पर कोई उपद्रव नहीं होगा, प्रदेश में सभी का स्वागत है और मध्य प्रदेश एक फ्रेंडली स्टेट थी, है और रहेगी। वहीं उन्होंने मदरसों की शिक्षा को लेकर कहा कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक विषय पढ़ाने का मामला सामने आया है और इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा कि मदरसों की पठन सामग्री की स्क्रूटनी करवा लें। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।